फील्ड मार्शल 8 HP पंप सेट। दोस्तों आज हम इसका रिव्यू करेंगे और नया इंजन क्या है, क्या कैपेसिटी है इसकी, ये सब हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं हूँ राम सागर और आज हम नए इंजन के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फील्ड मार्शल GFL का है शायद, और इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है कि खरीदारी में रखें समझदारी। स्पीड वेल इंजन के साथ, फील्ड मार्शल इंजन के साथ स्पीड वेल सेंट्रीफ्यूगल पंप फिट है, तो वही ओरिजिनल पंप सेट है। इसमें स्पीड वेल का ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे पानी पंखा बोलते हैं, ये इसमें बताया गया कि या ये आपको साथ में ही लेना है। फिलहाल हमारे यहाँ पे तो श्रीराम सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहा है, और ये स्पीड वेल के भी चल रहे हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे श्रीराम का ही सेंट्रीफ्यूगल पंप अच्छा काम कर रहा है। और नए इंजन में ये एयर क्लीनर में कुछ लिखा गया है कि यदि एयर क्लीनर के अंदर ऑयल नहीं डाला गया तो LP सेट के लिए खतरा हो सकता है। तो इसमें थोड़ा ऑयल डालें, एक सुराख होता है उसके बराबरी के हिसाब से। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे भी एक सूचना दी गई है कि इसमें इंजन बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल का है। इसमें बताया कि इसमें हमने ऑयल डाल के नहीं दिया है कंपनी को, तो इसमें आप लुब्रिकेंट डालें, SA 20-40 API SF4 का ही भरें। और यहाँ से हम आगे का नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। देखिए इसमें भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है, देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है नंबर एक पे क्रैंक केस, नज़दीक थोड़ा कर लें, क्रैंक केस में डिप स्टिक के ऊपरी निशान तक लुब्रिकेटिंग ऑयल भरें, ये लिखा गया है। इसमें ये शुद्ध एवं छने हुए डीजल का उपयोग करें, पूरा डीजल ख़त्म होने से पूर्व ही टंकी को पुनः भर दें, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रिंग को टेंशन में कोई परिवर्तन ना करें, प्रत्येक 1000 घंटे बाद सिलेंडर हेड को साफ़ करें, वाल ग्राइंडिंग करें। और यहाँ पे इंजन की कैपेसिटी के बारे में कुछ लिखाया गया है, यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा नज़दीक से। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है इंजन नंबर से, इंजन नंबर देख लीजिए, इंजन नंबर में लिखा गया है GPA 2502 और GPA 2502 और मॉडल है GF6V और टाइप है TRB LOP LALP DI और आउटपुट इसकी रेटिंग है 5.9/8, यानी 6.8 HP और 8 HP का है, और 6 HP का अल्टरनेटर इस पर चलाया जा सकता है, और 1600 राउंड पर मिनट, 250 kg गवर्नर। तो हम इसी के बारे में बताते हैं कि अच्छी कंपनी का है, और यहाँ पे फील्ड मार्शल हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे यहाँ आपके यहाँ कैसा फील्ड मार्शल का मटेरियल कैसा काम कर रहा है, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपके यहाँ पे अगर फील्ड मार्शल यूज हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, कंपनी का ब्रांड है राजकोट का। और ये फिल्टर डीजल फिल्टर में भी कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है कि हर 100 घंटे चलने के बाद ईंधन फिल्टर को साफ करें, देखिए, और हर 100 घंटे चलने के बाद इसे भी साफ करें। इसमें दोनों यही लाइनें लिखेंगे, और ये आउटपुट नली देखिए पंप की तरफ गई है और इनपुट ये फिल्टर में गया है। तो यहाँ पे हमारा इंजन का रिव्यू हो चुका है, और हम आपको अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे वाटर फैन या पानी पंखा भी बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही बोलते हैं इसे, इसी भाषा में इंजीनियर या बाहर किसी जगह से आप इसे बुकिंग करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी इसे इसका नाम बोलता है, पानी पंखे को। तो इंजन की क्वालिटी और नया देखिए, अभी नया ही आया है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया गया है, तो मैंने कहा थोड़ा आप सब लोगों को नया इंजन के बारे में बताया जाए, और इसका MRP भी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इसमें हमारा श्री राम का ये 4x4
इंच का इसका होल बॉडी दिया गया है श्री राम, इसमें भी प्लेट में भी लिखा है। और यहाँ पे हम आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर के मटेरियल के बारे में देख क्या क्या इसमें दिखाया गया है। इसका साइज 100x100 mm और मॉडल है SD1, वो उस पर सीरियल नंबर भी लगाया गया है। और इस तरफ इसका साइज लिखा, पंखे में इसका साइज भी लिखा गया है। उस एरो के जस्ट में सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप लिखा गया है कि इसमें इसका ये नाम है। तो हम भी पहले नहीं जानते थे, अब मैं ये जान पाया हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इसे ही बोलते हैं। 1500 RPM इसका भी लिख है, और वैसे तो कम भी कर सकते हैं, फिलहाल 1500 ही के आसपास में ये डीजल पंप सेट पानी के लिए किसानों के खेत में अच्छा काम करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग इसका 5.9 kW, इसका ये रेटिंग है, ये किलोवाट के हिसाब से इतना लोड हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लेगा। और EFFF 74% 10.4 - 14.3 mm 38-27 LS ऐसे इसमें दिखा गया है, जो इसमें इसके अंदर के मॉडल को तैयार करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको रिपेयरिंग के बारे में भी बताते हैं और कभी कभी नए इंजन का वीडियो भी डालते हैं। तो ये हमारा 1 वर्ष गारंटी एजेंट्स एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर इसमें कंपनी ने दे रखा, अगर कंपनी की तरफ से कोई डिफेक्ट है उसके बारे में हम अपनी माल की पूरी गारंटी लेते हैं। और इसमें रेड पॉइंट, ये रेड बटन ये दे रखे हैं ऊपर कैप के, तो ये देखिए इसमें बॉस का पंप दिया गया है ओरिजिनल में, और अच्छा चल रहा है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका MRP 35,000 रुपये में